अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द बोट एंड स्ट्रीम पार्ट वन सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे राकेश यादव के क्लास नोट्स की वीडियो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 to 5। मेरा एम यही है कि राकेश यादव के क्लास नोट्स के सभी के पास होते हैं, बस उसका सॉल्यूशन समझ नहीं आता तो मैं उसको वीडियो एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूं अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप आसानी से उनके कॉन्सेप्ट को, उनके क्वेश्चन को समझ सकें। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, डेली 4 से 5 वीडियो डालता हूँ, तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करने का यही बेनिफिट होता है। और अभी तक आप मेरे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप मेरे को मैसेज करके मेरे को ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आप मैसेज कर दोगे, मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो देर नहीं करते हुए मैं स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट दो चीज होती है, देखो, बोट और नाव और धारा, मतलब बोट एंड स्ट्रीम, मतलब ठीक है, नाव और धारा। देखो, बोट, इस टॉपिक का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम का मतलब क्या है? बोट मतलब होता है नाव और स्ट्रीम का मतलब होता है क्या? धारा। तो इसमें देखो, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम से आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज अगर आपको पता है, आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। देखो, हमारे पास नाव है, ठीक है, हमारे पास नाव है, दो केस लेता हूं, यहां भी हमारे पास नाव है, और धारा, धारा जो बह रही है, धारा, ये भी धारा दोनों साइड में है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं, देखो, हमारी नाव इस साइड चल रही है, ठीक है, धारा मतलब क्या आगे? पानी, वाटर, ठीक है, यहां भी है क्या तुम्हारा? पानी, ठीक है, वाटर। नाव इधर जा रहा है, उधर ही साइड जिधर पानी बह रहा है, ठीक है, मतलब जिधर पानी बह रहा है उधर ही जा रहा है। तो हम नाव को देखो, हम नाव को, नाव यानी कि बोट, बोट को हम बी सूचित करते हैं, और पानी को, पानी यानी को वाटर, वाटर को W से लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ये तुम्हारा बोट की स्पीड हो गई और ये तुम्हारी हो गई वाटर की स्पीड। तो दोनों केस में अगर दोनों एक ही दिशा में बहेंगे, नाव जिधर जा रही, पानी जिधर बह रहा है उधर ही नाव भी जा रही है, तो इस केस में स्पीड क्या होता है? जुड़ता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, धारा की दिशा, धारा की दिशा। धारा की दिशा में क्या होगा? स्पीड दोनों जुटेंगे, ठीक है। और देखो, अगर नाव इधर जा, पानी इधर बह रहा है, क्लियर है बात, पानी इधर बह रहा है लेकिन नाव किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, अपोजिट जा रहा है नाव, ठीक है। तो इस केस में हम नाव को बी मानते हैं, बोट स्पीड इसकी बी और धारा की W यानी पानी की। तो इस केस में जो स्पीड होगी दोनों का माइनस हो जाएगा, यानी घटेगा, ठीक है, घटेगा। यानी इसको बोलेंगे विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, मतलब धारा के, धारा के, लिख लेते हैं, धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा में माइनस होता है। इसी को अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और इसको क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? दोनों जुटते हैं क्योंकि धारा की दिशा में जाता है, और अप स्ट्रीम में क्या होते हैं? निगेटिव हो जाता है, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। पूरे बोट एंड स्ट्रीम के आप क्वेश्चन एसएससी के आसानी से कर सकते हो, विदाउट पेन एंड पेपर, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो बिना पेन एंड पेपर के भी कर सकते हो। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ 41 किलोमीटर प्रति घंटा की चल से चल रही है। धारा के साथ, धारा के साथ कोई भी नाव, नाव धारा के साथ यानी वाटर, वो कितना, उसकी स्पीड कितनी दी हुई है? ये दोनों की स्पीड हो गई ना, क्यों? मैंने अभी बोला था अगर नाव जिधर जाएगी उधर ही धारा जाएगा। ये नाव है और ये क्या है? धारा। पानी भी उधर ही बह रहा है, ठीक है, यानी ऐसे पानी भी इधर बह रहा है, इधर ही बोट जा रही है। तो इस केस देखो, इस केस में तुम्हारा बोट, देखो, बी प्लस वाटर यानी कि बोट, नाव प्लस वाटर कितना हो गया? 21 किलोमीटर उसकी स्पीड दी हुई है। धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध, मैंने ये केस बताया ना, ये वाला धारा के, ये वाला केस था, धारा के विरुद्ध क्या है? बी माइनस W, और इसकी स्पीड क्या दी हुई है? और बी और ये स्पीड ही है, ये मत कंफ्यूजन होना, ये स्पीड है तभी हम इधर भी स्पीड इक्वल कर रहे हैं, क्लियर है बात। तो अब बी माइनस W धारा के विरुद्ध कर रहा है ना, विपरीत दिशा में, बी माइनस W कितना दे? 9। तो हमसे पूछ रहा है पानी की चाल, यानी ये वाला वाटर फाइंड आउट करो कि पानी की चाल क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, ये बताओ, दोनों को ऐड कर दें, ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 21 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 21 प्लस 9 तुम्हारा हो जाएगा 30।
तो बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 15, क्योंकि काट दो इसको 15। अगर बी 15 मिल गया तो हम किसी एक में रख लेते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख लें, बी प्लस 21 है। अगर ये 15 है तो ये बताओ अब ये क्या होगा, तुम्हारा ये 6 होगा, तभी तो 21 हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो 21। दो वे होते हैं, देखो क्वेश्चंस को डील करने का दो वे होता है। आप कैसे देखो, जैसे मैं बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 21 है, अगर बी 15 है तो फिर मैं इसको करूंगा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, 21 माइनस 15 यानी 6। लेकिन आप उल्टा भी सोचने की कोशिश करो, b प्लस डब्ल्यू अगर 21 है, अगर b हमने फाइंड आउट कर दिया ना कि b 15 है तो ऑलरेडी है w क्या होना चाहिए कि 21 होगा, 6 होगा तभी तो दोनों को ऐड करोगे तो 21 होगा। तो w कितना मिल गया, w मिल गया 6 किलोमीटर पर आवर पानी की चाल हो जाएगी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, तुमको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटे से चल, धारा के साथ सिंपल बोट प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या 14 दिया हुआ है ना यहाँ पे, और धारा के विरुद्ध देखो, धारा के विरुद्ध कितना है 6 किलोमीटर पर आवर से चाल से तैरता है, धारा के विरुद्ध बी माइनस डब्ल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 6। क्लियर है बात। अब कह रहा है स्थिर जल में तैराक, तैराक मतलब देखो तैरने वाला, तैरने वालों को हमने बोट से कंपेयर कर दिया, अगर बोट से नहीं करना, अगर तैरे वाले को टी मानते हैं तो देखो टी प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 14, टी माइनस डब्ल्यू कितना हो जाएगा 6, क्योंकि हमने क्या यहाँ पे लिख दिया कि जो तैराक है तैराक की स्पीड कितनी है टी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये बताओ अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो गया, 2t इज इक्वल टू क्या कितना हो गया 20, तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया 20/2 यानी कि 10। ठीक है, 10 हो गया, तो यही तो 10 तो निकालना ही था, उसी का निकालना था ना, तैराक की, तैराक की क्या स्पीड, तो तैराक की स्पीड कितनी होगी 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फिर क्वेश्चन सेम ही है, धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धारा के साथ नाविक की चाल, यानी नाविक को मैं, नाविक को ही बोट मानता हूं क्योंकि बोट पे ही नाविक होगा ना, तो बी प्लस धारा के साथ, धारा के साथ यानी वाटर इज इक्वल टू कितना 15। मैंने हमेशा बोला था धारा के साथ, धारा के साथ क्या होता है B प्लस W, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम का केस। और दूसरा केस मैंने बताया था धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध या इसी को बोल लो विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, इसमें क्या होता है B माइनस W होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, तो किसी को दोनों में कंफ्यूजन नहीं, अगर जो इंग्लिश मीडियम का है वो डाउन स्ट्रीम कर सकता है, जो हिंदी मीडियम का है, जो हिंदी मीडियम का है वो धारा के साथ। तो ये 15 दिया हुआ है, जबकि देखो क्वेश्चन कर रहा है धारा के साथ एक नाविक, धारा के साथ बी प्लस डब्ल्यू और कितना दिया उसकी चाल 15, जबकि धारा के चाल, धारा की चाल, धारा यानी कौन सा है पानी, पानी की चाल कितना दिया हुआ 1.5, तो धारा के विरुद्ध नाविक की चाल बताएं। देखो तो बी कितना हो जाएगा, बी निकाल लूंगा 15 माइनस 1.5 यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 13.5, ये तुम्हारा नाविक का। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या करा, धारा के विरुद्ध चाल, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध का मतलब क्या b माइनस डब्ल्यू, अभी तो मैं बताया था धारा के विरुद्ध ये होती है, तो b b तुम्हारा 13.5 मिल गया है, और वाटर, वाटर तो तुम्हारा दिया हुआ है 1.5 यानी घटा लोगे तुम्हारा कितना हो गया 12 किलोमीटर पर आवर उस धारा के विरुद्ध नाविक की चाल हो जाएगी। क्लियर है बात, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मेरे को तो नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है एक तैराक धारा के साथ, मान लेते हैं हमें तैराक को टी मानते हैं, इसकी स्पीड टी मानते हैं, और धारा, धारा मतलब वाटर के साथ उसकी कितनी है 36 किलोमीटर, देखो 36 किलोमीटर 6 आवर में, मैंने देखो इधर हमने चाल लिया ना, चाल इधर साइड लिया, क्योंकि हमने माना कि देखो चाल हमने मान लिया क्या कि तैराक जो है उसकी चाल क्या है टी किलोमीटर पर आवर, और उसी तरह हम आगे भी करेंगे। ठीक है, और पानी की चाल, पानी की चाल जो वाटर है उसका क्या है डब्ल्यू किलोमीटर पर आवर। अगर इधर हम चाल ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या लेंगे चाल, क्योंकि चाल को चाल से कंपेयर करते हैं। तो ये बताओ डिस्टेंस दिया हुआ है ना, डिस्टेंस 36 किलोमीटर और टाइम भी दिया हुआ है, हमें पता है ना चाल यानी स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 36, टाइम कितना लगा 6 यानी कि तुम्हारा कितना हो गया 6, यानी कि डायरेक्ट तुम लिखोगे टी प्लस डब्ल्यू कितना हो गया इक्वल टू 6। ठीक है, उसी तरह देखो
लेकिन तय करता है और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध क्या हो जाएगा, टी माइनस डब्ल्यू कितना कर रहा है 40 और कितने घंटे में, 8 घंटे में 8 से डिवाइड कर दूंगा यानी 5 किलोमीटर पर आवर यानी कि 5। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तैराक की चाल टी निकालना है तो इसको कैंसिल कर दें, ऐड कर दें तो 2t = 11, तो t = क्या होगा 11/2 यानी क्या हो गया तुम्हारा 5.5 किलोमीटर पर आवर। अभी ये क्यों, क्योंकि 40 जो दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है ठीक है, और टाइम उसका कितना दिया हुआ 8 आवर्स, तो हम क्या करते हैं स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हम जिधर इधर भी चाल ले रहे हैं, देखो चाल को हम चाल से कंपेरिजन कर सकते हैं ठीक है, दूरी को हम क्या कर सकते हैं दूरी से कंपेरिजन कर सकते हैं, मतलब सेम क्वांटिटी से ही कंपेरिजन कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इधर चाल लिया तो इधर भी चाल लेना पड़ेगा, तो इसकी डिस्टेंस और टाइम दी हुई तो चाल में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है किसी को, कोई दिक्कत है नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तैराक धारा के साथ टी प्लस डब्ल्यू होगा ठीक है, 21 किलोमीटर 3 घंटे में यानी 21/3, क्योंकि हमें चाल क्या होता है, चाल तुम्हारा होता है दूरी बटा में समय, अगर कोई उसी को इंग्लिश में speed = distance/time, तो यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 7 फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा कह रहा है धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर है t - w, धारा के विरुद्ध t - w होगा 15 किलोमीटर, कितना समान समय, समय जो 3 घंटा लगता था इसमें भी 3 लगेगा यानी कि 5 सेकेंड, हमारा क्या बन गया t + w = 7, t - w = 5। अब क्या पूछ रहा है, पानी की गति, वाटर का पूछ रहा है, तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो 2t = 12, तो t = क्या हो गया 6, अगर t 6 है किसी एक में रख लो, t + w = 7, हमारा अगर t 6 है तो वाटर कितना होगा 1 होगा, तभी तो 6-7 हो जाएगा, यानी वाटर की स्पीड कितनी होगी 1 किलोमीटर पर आवर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने मेरे अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डेली देता हूँ राकेश यादव के क्लास नोट्स के इवरी चैप्टर के इवरी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को, और अगर आप मेरे चैनल पे जुड़ चुके हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि यहाँ पे उनको वीडियो सॉल्यूशन मिल रही है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि राकेश यादव के क्लास नोट सभी के पास हैं, तो उसको समझने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।